गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की पूर्व संध्या पर एक पत्रकार वार्ता में वर्ष भर की हुई उपलब्धियों के संबंध में एक पत्रिका का विमोचन कार्यक्रम का आयोजन विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सभागार में किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह, कुल सचिव शत्रुघ्न वैश्य, प्रति कुलपति प्रोफेसर एस के दीक्षित एवं अन्य अध्यापक गण मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता शुरू होने के पहले माल्यार्पण एवं पुष्प गुच्छ देकर कुलपति का स्वागत अलग अलग शिक्षकों के द्वारा किया गया। इसके बाद प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने एक वर्ष के विश्वविद्यालय की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा, छात्र कल्याण द्वारा इस विशिष्ट आयोजन में आप सबका स्वागत है। स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित इस विशिष्ट आयोजन का अपना खास महत्व है, क्योंकि यह विश्वविद्यालय कार्यभार ग्रहण किया तो मुझे बताया गया कि यहाँ शिक्षकों का भिन्नता अभाव है। किसी किसी विभाग में तो एक ही शिक्षक रह गया है, ठीक ही दो दो शिक्षक रह गए हैं, और शिक्षक जो है अगर नहीं है तो विश्वविद्यालय जितना महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय शिक्षक विहीन होने की वजह से पर्याप्त शिक्षा नहीं मिल पा रही है। बच्चे दूर दूर से आते हैं किसी भी बच्चे दुर्घटना से, और यहाँ आने के बाद उनको शिक्षक क्लास में नहीं मिलते थे तो निराश होकर चले जाते थे। यह ऐसा विद्यालय जहाँ शिक्षक ही नहीं है तो कितना अच्छा प्रांगण है, कितना खूबसूरत प्रांगण है। शहर के बीचों बीच जो लोकेशन है, अपनी लोकेशन की वजह से भी स्टेशन से नजदीक है, स्टेशन से नजदीक है, सभी विद्यार्थियों के लिए आना बहुत सहज है। उस विद्यालय में शिक्षक न होने की वजह से यहाँ की पढ़ाई की गति प्रभावित हो रही थी, तो मैंने कोशिश की उसमें ही हमने आरम्भ कर दिया कि किसी तरीके से उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। और वहाँ मेन का भी निर्देश था, राज्य सरकार का भी निर्देश था कि विभिन्न विद्यालयों में जो शिक्षकों की कमी है उसको शीघ्रति से दूर किया जाए, ताकि पठन पाठन का माहौल अच्छी तरह से संपादित हो सके। इसके लिए सरकार ने कहा जब आपको कम होगा तो बताइएगा, अभी तो हम उस स्तर पर अपने को पुनर्स्थापित कर पाएँ कि दूर दूर से लड़के अप्लाई करें, लेकिन इनको जब ये पता चलेगा कि एंट्रेंस के माध्यम से एडमिशन होता है
गोरखपुर न्यूज से एक विशेष बातचीत के दौरान प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय बनाने के लिए आगामी दिनों में नोबेल पुरस्कार विजेताओं से बातचीत चल रही है, जो आकर अपना महत्वपूर्ण व्याख्यान गोरखपुर विश्वविद्यालय में देंगे। इस संबंध में आगे उन्होंने गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कहा, तो उस अवसर पे भी हम अगले साल की कार्य योजनाओं के हिसाब से कार्य करना शुरू करेंगे और जो हमारा पिछले एक साल की जो प्रयास है उसको अभी शुरुआत है। अभी हम ये नहीं कहेंगे किसी हम अंतिम पड़ाव पे पहुँचे हैं, ये अभी पहला पड़ाव है जिसमें नियुक्तियाँ हैं और प्लस जो रुके हुए हमारे कार्य थे उसको भी हम दूर कर रहे हैं। सर, आपकी एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की तरह या जम्मू की तरह आपका भी ये प्रांगण हो जाए, उसी के अंतर्गत आपका शायद सोच है कि नोबेल प्राइज़ जो पाए हैं उनका व्याख्यान हो, लेक्चर हो, इसके बारे में। हाँ, नोबेल प्राइज़ में हमारे यहाँ सत्यार्थी जी हैं जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे जो उन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि वो आएँ और अपने उद्बोधन से। सर, इसी संदर्भ में अभी नेपाली छात्रों के लिए 100 कमरों वाली जो व्यवस्था थी वो कहाँ तक पहुँची? कार एजेंसी को दिया गया है, कार प्रारंभ होने जा रहा है। नेपाली छात्रावास जो हमारी वर्किंग एजेंसी है जो सरकार के द्वारा ही निर्धारित होती है, उसमें उनके कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज थे, इसको दूर कर लिया है और शीघ्र ही उसका निर्माण शुरू।